नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर यूथ एजाज जान की क़यादत में आज मंडी में एक अवामी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें इलाके के हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर एजाज अहमद जान ने मौजूदा मखलूत सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने इस सिलसिला में एक तहरीरी मेमोरेंडम भी तहसीलदार मंडी को पेश किया। आइए देखते हैं मंडी से हमारे नुमाइंदा की ये रिपोर्ट। हो जाएगी और नाम भी होगा तो आज दिलू पर हुकूमत किसकी है, इतना मुश्किल होता है ना। आज यहाँ फंड है, कहते हैं दिलू पर हुकूमत करना। मैं तकरीर नहीं करूंगा लेकिन शहर में पानी राशन कुछ नहीं, लीटर चले चले चुप चलते हर कोई करता, चुप चुप चलते हर कोई करता, पाथर कहता शेरा मले तारे मारो के बल्ले बल्ले बाकी सारे बल्ले बल्ले बाकी सारे सड़क इनको सैंक्शन की, उमर अब्दुल्ला साहब ने सैंक्शन की, वो सड़क निकाली, पुल बनाया, आज 3.5 साल होने लगे हैं उस सड़क के ऊपर काम नहीं लग रहे। अफसोस कहना पड़ेगा कि कल वहाँ के लोगों ने चंदा किया, चंदा करके वहाँ पे मशीन लगाई और रोड साफ कराई। मुझे समझ नहीं आया जलसा यहाँ पे हमने किया है, एक तो बड़े शॉर्ट नोटिस में किया हमने। मौजूदा जो हालात इस रियासत में है और खास करके पुंछ के अंदर आप देखें बहुत बुरी हालात है। जो ये हुकूमत को पीडीपी बीजेपी की जो सरकार इस रियासत में है, ये तमाम फ्रंट्स पे ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर के अंदर आप देखें उन्होंने गोलियां चलाई, लगभग 230-240 के करीब बच्चे जो हैं उनको मारा गया, लगभग 3-4 हज़ार लोग जख्मी किए गए, आँखें लोगों की चली गई, हज़ारों के हिसाब से लोगों को अरेस्ट किया गया। जम्मू प्रोविंस के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे आप देखिए कितना बड़ा इन्होंने एक मजाक किया है, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं चल रही है, हर जगह डेवलपमेंट काम रुके हुए हैं, जो सड़कें यहाँ पे हमने छोड़ी थी वहाँ से आगे नहीं गई। और हैरानी की ये बात है जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो भी किया जा रहा है, एक जो स्कीम होती है जहाँ पर रोड शुरू होती है उस पर दूसरी स्कीम का पैसा नहीं जा सकता, और मैं हैरान हूँ यहाँ एक एक जो स्कीम है उसके ऊपर 12-12 स्कीमों का पैसा डाला जा रहा है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो रही है जिसमें मुकामी जो ऑफिसर हजरात हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो गलत काम करें। हमने उनको ऑफिसर्स को ये हिदायत दी आज के दिन कि आप ईमानदारी से गरीब लोगों का काम कीजिए, जो जायज़ है वो कीजिए, गलत काम नहीं करना ताकि ये आवाम जो है सड़क पर उतरे। बहुत सी ऐसी मुश्किल है, पानी का आप देखिए बुरा हाल, राशन कार्ड की आप बात करें 100 रुपये का राशन कार्ड 300-400 रुपये में बिक रहा है, कोई देखने वाला उनको नहीं है। उस मामले में अभी तो मैंने नहीं उनका सुना है बयान, लेकिन मैं देखूंगा उसके बाद ज़रूर रिएक्ट करूंगा। मैंने ये नहीं सुना है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है इनका कोई भी स्टैंड कहीं पे क्लियर नहीं है, ये हर जगह जो है वो ख़त्म हो रही है। आज आप देखिए रियासत के अंदर NRHM के लोग वो स्ट्राइक पर, टीचर्स वो परेशान, GRS जो हमारे वो परेशान, पंचायतों का काम बंद, टीचर्स जो हैं वो परेशान, पोस्टें उनकी निकल नहीं रही, तो हर तरफ एक मायूसी का माहौल है। पुंछ के अंदर पोस्टें इन्होंने एडवर्टाइज़ की, वहाँ पर भी कुछ भी नहीं। मंडी के अंदर डिग्री कॉलेज की बात की गई, इनसे नहीं हुआ, पहली लिस्ट जब निकली हुकूमत के एहतजाज करने के बाद, हमारे सीनियर लीडर्स का उसके इंटरवीन करने के बाद, उसके बाद मंडी का कॉलेज मिलना, ये इस चीज़ का सामने आ जाता है कि जो मौजूदा हमारे यहाँ के लोग हैं वो टोटल फेल हो चुके हैं।